नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट सिक्स। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर में भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका हुआ है, जिसमें एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए हैं। चलती ट्रेन में धमाके से अफरा तफरी मच गई। समस्तीपुर स्टेशन से ट्रेन के खुलते ही बोगी में रखे गए बैग में ये धमाका हुआ। सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भागलपुर जयनगर इंटरसिटी में धमाका हुआ। इस धमाके में एक महिला समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला समेत तीन लोग इसमें जख्मी हुए हैं। चलती ट्रेन में धमाका हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बोगी में एक बैग रखा हुआ था और उसी बैग में यह धमाका हुआ। भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक बोगी में एक बैग रखा हुआ था, जिसमें धमाका हुआ और धमाके की वजह से एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए हैं। तो चलती ट्रेन में धमाका हुआ। आपको बता दें कि बोगी में एक बैग रखा हुआ था और बताया जा रहा है कि उसी बैग के अंदर धमाका हुआ, जिससे एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया बेहतर इलाज के लिए। समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में धमाका हुआ है। ट्रेन के बोगी के अंदर एक बैग रखा हुआ था और उसी बैग में धमाका हुआ। धमाका किस वजह से हुआ, क्या उसमें कोई विस्फोटक रखा हुआ था या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। हमारे साथ संजीव जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, क्या कुछ कहा जा रहा है, आखिर वो बैग वहां कैसे पहुंचा और किस तरह का धमाका था ये? जी अली, मैं बता दूं कि ये भागलपुर से जयनगर इंटरसिटी जा रही थी। समस्तीपुर स्टेशन से खुलने के कुछ ही देर के बाद अचानक से जो बोगी के अंदर बैग रखे थे उसमें धमाका हुआ। धमाके के बाद चिंगारी हुई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद लोगों के अफरा तफरी के बाद ट्रेन को रोका गया और तत्काल इसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई, जिसके बाद तमाम जो रेलवे के पुलिस के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे हैं। और उसमें अफरा तफरी घटना के दौरान जो एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के बाद जो तमाम रेल के अधिकारी हैं वो मामले की जांच में जुट गए हैं। एसएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, लेकिन बैग में जो महिला जख्मी हुई थी उसका बताना है कि वो भागलपुर से वो ट्रेन में बैठी थी, उसके कुछ उनके सामान के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा एक बैग रखा गया था और उसी बैग में यह धमाका हुआ है। पुलिस ने उस बैग को जांच के लिए सुरक्षित लिया है। इस मामले में दो लोगों को जो सूचना मिल रही है पुलिस सूत्रों के से कि दो लोगों को संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर से इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो रेल के अधिकारी है वो कहते हैं कि मामले की जाँच की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ वैसी चीज अभी स्पष्ट नहीं है कि यह धमाका आखिर क्या हुआ, बैग के अंदर क्या कुछ है। एफएसएल की टीम जब आएगी, पूरी जांच होगी, तभी स्पष्ट होगा कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ है। जी अली, चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक लावारिस बैग में यह धमाका हुआ है, किस तरह का धमाका था, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। और रुक करेंगे।